हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस एंड इन क्लास ऑफ यूपीएससी सेट सुपर यू टुडे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलोजियम सिलोजियम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है देखो मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक्स अभी पहले हम कवर कर रहे हैं और सिलोजियम के अंदर से एग्जाम के अंदर हम टू टू थ्री क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम ट मीन्स कि इम्पोर्टेंट है तो हमें जो सिलोजियम की अलग अलग जो टाइप्स हैं सभी की सभी टाइप्स क्लियर होने चाहिए बिकॉज एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं okay? ओके तो आपको सभी टाइप्स अच्छे से क्लियर पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हाँ जी कैसे हम स्टेटमेंट पे बेस्ड अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है वेना डायग्राम ड्रॉ करेंगे वैसे डायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट फाइनली यू हैव टू मूव ऑन वेन डायग्राम

नो चेयर इज बुक नो चेयर इज बुक अब यहाँ पे हमारे पास में चेयर और बुक के बीच में तो कोई भी रिलेशन गई कैन वी से हाँ no chair is book. हम नहीं कह सकते फिर हो गया तो की तो हाँ डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर कर लोगे बट मैं आपको कहती हूँ की बेटा देखो एक्यूरेसी के साथ में करके आना है एक क्वेश्चन टू पॉइंट फाइव मार्क्स का सो द बेटर थिंग इज वाट कि आप पहले वैन डायग्राम ड्रॉ करो और उसके बाद में प्रॉपर कंक्लूजन निकालो कि कहीं पे भी गलती का चांस ना रहे ओके okay? तो देखो कैसे करेंगे डायग्राम से बताती हूँ पेन्स आर बुक्स नो चेयर इज पेन नो चेयर इज पेन अब यहाँ पे पेन और चेयर के बीच में यहाँ पे रिलेशन गया कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन पेन पेन और और चेयर चेयर देखो सम चेयर आर पेन सम चेयर आर पेन अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है जी नो चेयर इज पेन नो चेयर इज पेन दैट मीन्स कि नो पेन इज चेयर पेन और चेयर के बीच में जब कोई रिलेशन है ही नहीं तो यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास में दोनों के बीच में क्या है भी दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो हम क्या कहेंगे हमारे पास में कुछ इस तरह का कुछ मिलना चाहिए अब चेयर यहाँ पे है बुक्स यहाँ पे है जिसमें साथ में उसने ये भी कह दिया कि ये वाला जो पार्ट है ये चेयर नहीं है तो बुक्स और चेयर के बीच में कोई यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं

ऑल चेयर है ना तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नो चेयर इज बुक मीन्स कि कोई भी सारी की सारी कोई भी चेयर बुक नहीं है कोई भी चेयर बुक नहीं है तो ये भी क्या हो गया आपके पास डन कोई भी माइनर सा डाउट अब आई थिंक वेन डायग्राम से ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ गई है सभी की ओके नेक्स्ट देख देखो क्या है नेक्स्ट आपके पास सम अगेन ट्वेंटी टू वाला क्वेश्चन है बेटा

Some doctors are all teachers are engineers. All the teachers are engineers. And all the engineers are scientists. All the engineers are. These are the statements. अब इसके बेस में हमें कंक्लूजन निकाल क्या कह रहा है देखो कह रहा सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। तो अब हमने क्या देखना है? है आपको यहां से देखो ये सर्कल है और ये डॉक्टर का दैट मीनस वाला पार्ट कॉमन है कॉमन है तो हम क्या कहेंगे सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट दिस इज करेक्ट बाद में चेक सेकेंड क्या है ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर All engineers are doctor. All engineer, doctor का 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 क्या है? है है, कि कि जो जो वो doctor के circle के अंदर होना चाहिए, okay? और पे पे आप देख रहे हो जी, हाँ, अगर सम का relation होता तो हम जरूर कह देते कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर बट ये जो हमारा सेकंड कंक्लूजन है ये हमें क्या कह रहे हैं कि जो इंजीनियर का सर्कल है वो डॉक्टर के सर्कल के अंदर होना चाहिए, बट ये तो यहाँ पे नहीं है नहीं है that means, की हो गया, okay? अब देखो ये तो हमें दिखाई दे रहा है इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में है, हम क्या कहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन विल फॉलो फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन जी बताइए क्लियर है सभी को क्लियर है देखिए अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दिस सुपर फाइव सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल दो जिन्होंने ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल जो जो क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपेयर कर करवा रहे हैं क्या कह रहे हैं यस yes, ये टॉपिक करिए उसके बाद ये वाला टॉपिक करिए ये वाला टॉपिक अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी आपको हल बता रहे हैं यस इज सोल्यूशन की ऐसे आप कंसेप्ट को क्लियर कर लो है ना तो अब देखो जैसे ट्वेंटी वन में भी अगेन क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास में सिलोजियम का हाँ जी क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे क्या है सम कैट्स आर अलमीरा अलमीरा सम अलमीरा आर चेयर एंड ऑल चेयर्स आर टेबल सिंपल क्वेश्चन आ रहे सिंपल क्वेश्चन है कह रहा है सम कैट्स आर अलमीरा सम सम दैट मींस सम पार्ट इज कॉमन अलमीरा सम अलमीरा आर चेयर सम अलमीरा आर चेयर्स ऑल चेयर्स आर टेबल आर चेयर्स आर टेबल अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर्टेनली दैट मीन कि किसी भी हाल में ये false नहीं होना चाहिए अगर ये कंक्लूजन हर हाल में करेक्ट होना चाहिए इन ऑल द केसेस दिस विल बी करेक्ट तो इसने क्या कहा पे certainly. तो certainly से हमने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल okay? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो अलमीरा और टेबल के बीच में क्या आपको कुछ भी पार्ट क्लियर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलमीरा और टेबल के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है दूसरा क्या कह रहा है? सम कैट्स मे नॉट बी चेयर सम कैट्स मे नॉट बी चेयर अब देखो चेयर यहाँ पे है और कैट्स यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास में कंक्लूजन होता सम कैट्स ध्यान से समझेंगे इन दैट केस अब हम यहाँ पे देखेंगे किट्स यहाँ पे चेयर यहाँ पे है दोनों दूर दूर है दोनों दूर दूर है दैट मीन्स वी कॉन्ट से वी कांट से समेर इज समेयर

ठीक है और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है उस केस के अंदर फैक्ट के अंदर हम क्या कहेंगे रोंग और पॉसिबिलिटी को हम क्या कहेंगे अब यहाँ पे जब यहाँ पे वर्ड क्या गया मे मे नॉट बी चेयर दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि हो सकता है हो सकता है तो हो सकता है तो हम क्या कहेंगे हो सकता है से देयर आर टू पर्सन राम एंड श्याम ठीक है एक राम एक मुंबई रहता है एक दिल्ली रहता है ठीक है और अब वो क्या कह रहा है कि यस राम इज फ्रेंड ऑफ श्याम अब हमें क्या पता कि वो एक दूसरे का फ्रेंड है या नहीं है दे नो ईच अदर और नोट तो हम क्या कहेंगे आई डोंट नो मे बी और मे नोट सिंपल यही कहेंगे मे बी और मे नोट व्हेन अनटिल अनलेस वी डोंट नो एनी रिलेशन बिटवीन देम नो और ऑल और सम इन दैट केस हाउ कैन वी से हम कुछ नहीं कह सकते एंड वेन देयर इज पॉसिबल ओके तो पॉसिबिलिटी ट्रू yes, okay? तो रहेगी बट फैक्ट रोंग रहेगा तो यहाँ पे उसने मे वर्ड यूज किया है तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास में अगेन करेक्ट तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ विल बी करेक्ट तो आंसर विल बी क्लूजन वन एंड टू विल फॉलो आइयोप सभी को क्लियर है नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे सम रेडियो आर मोबाइल समेो मोबाइल ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स ऑल मोबाइल्स मीन्स मोबाइल का सर्कल हम कंप्यूटर के सर्कल के अंदर रखेंगे ऑल द मोबाइल्स आर कंप्यूटर सम कंप्यूटर्स आर वॉचिज सम कंप्यूटर्स आर वॉचिज ओके तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं सर्टेनली सम रेडियोज आर सम रेडियोज आर वॉचिज कुछ रेडियोज वॉचिज होंगे सर्टेनली सर्टेन मीनली मीन फैक्ट में आपको आंसर देना कि यस yes, होंगे ही होंगे या नहीं होंगे अब यहाँ पे देखो कि रेडियो और वॉचिज के अंदर क्या आपको कुछ पार्ट कॉमन दिख रहे हैं क्या आपको कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है देखो रेडियो कहाँ पे है वॉचिज कहाँ पे है तो हम क्या कहेंगे यस दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर वी कांट से

नहीं तो हम क्या कहेंगे अगेन क्या जाएगा one, हाँ, यहां पे अगर हाँ पे होता हमारे पास में देखो ध्यान से समझेंगे अगर यहीं पे आपके पास होता है सम रेडियोज और वॉचेस सम रेडियोज और वॉचेस इज ए पॉसिबिलिटी इज ए पॉसिबिलिटी तो हम क्या कहते हैं यस दिस इज करेक्ट पॉसिबिलिटी मीन्स हो सकता है वी डोंट नो अगर यहीं पे होता है सम मोबाइल्स आर वॉचेस इज ए पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बड़ा सर करके हम फिर पास कर देते हैं उसको, so, हम क्या कहते yes, okay? हैं हाँ ओके? जी बाद देखिए हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सम ग्रीन्स आर ब्लूज सम ग्रीन्स आर ब्लू सम ग्रीन्स आर दूसरा सम ब्लूज आर ब्लैक सम ब्लूज आर अब कंक्लूजन क्या है आपके पास सम ग्रीन आर ब्लैक अब ग्रीन यहां पे है ब्लैक यहाँ पे है दूर दूर है वी कांट सी दैट की फैक्ट में क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में रोंग हो गया नो ग्रीन इज ब्लैक यहाँ पे ग्रीन है यहाँ पे ब्लैक है क्या हो गया ग्रीन रोंग हो गया ओके okay? थर्ड क्या कह रहा है ऑल ऑल ब्लैक आर ब्लैक यहाँ पे ग्रीन है बेटा यहाँ पे ब्लैक है ग्रीन है और ब्लैक है अगेन वी कांट से ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन ब्लैक्स यहाँ पे है ग्रीन यहाँ पे अगेन वी कांट से तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पास में रोंग तो हो जाएंगे हमारे पास में आंसर क्या आएगा नीदर कंक्लूजन वर नोर कंक्लूजन टू नोर कंक्लूजन थ्री नोर कंक्लूजन फोर फोलो ऑप्शन डी विल बी हाँ, अगर कंक्लूजन में सिर्फ इतना होता आपके पास में सम और नो का केस अगर आपके पास सिर्फ इतना दिया होता इन दैट केस इधर और आंसर बन जाता बट अभी चार आपके पास कंक्लूजन और चार और होंगे तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कंक्लूजन फॉलोस ओके सो आई होप सभी को क्लियर है ये वाला सभी को क्लियर है ओके okay. सो so, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमारा सिलोजियम वाला पार्ट क्लियर है इन दैट केस यू विल डू प्रैक्टिस अगर आपको लगता है कि हाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे इन केस आपको ओनली फ्यू का केस मिल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस मिल जाते हैं तो उसके लिए आपको कंसेप्ट uh, क्लियर करने हैं तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए माइक्रोवर्सिज अवेलेबल है यू कैन गो ऑन दीजर्स ओके यस इज हेयर हेयर यू कैन सी यस वीडियो लेक्चर्स सारे अवेलेबल थ्री वीडियो लेक्चर्स हैं फोर वेब नोट्स अवेलेबल हैं इसके अलावा 180 प्रैक्टिस क्वेश्चन ओके तो इट्स अप टू यू कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस पार्ट को चूज कर सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे हां जी आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सो बेस्ट ऑफ लक बने रहिए अभिमन्यु के आईएएस के साथ जैसे कि आपने 2022 के अंदर हमारा साथ दिया है ऐसे ही 2023 के अंदर भी हम आप लोगों के साथ में बने रहेंगे सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर बेस्ट ऑफ लक थैंक यू